आई विश ये डेट होता मुनामी का, लेकिन ऐसा नहीं है. बेसिकली मुनामी संजू और करण के साथ आई है, कोयल के घर आई थी वो ढूंढने के लिए उसे, लेकिन वहाँ पे वो उसको कोयल मिलती नहीं है. और फिलहाल रात बहुत हो गई है, भूख लगी है सबको, तो डिनर के लिए करण लेकर आता है हमें. एंड काफ़ी हम ऐसे म्यूज़िक सुन रहे हैं और चीज़ें देख रहे हैं, और अचानक मुनामी को ऐसा लगता है कि शायद उसने कोयल को देखा. एज एन हिट एंड मिस होता है, तो बड़ी फिर बाद उसका दिमाग ध्यान डाइवर्ट हो जाता है. मुनामी अभी भी अपसेट है उस बात को लेके कि हमने जाने क्यों दिया कोयल को, जानते हुए भी कि वो मॉन्स्टर है और इतने वो शायद बहुत सफ़र कर रही होगी फिर भी. तो कहीं ना कहीं मुनामी को ये बात खल रही है. तो करण जो है वो एक यू नो अश्योरेंस देता है मुनामी को, एक ट्रस्ट वो देता है कि डोंट वरी, वो एक प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं जिससे कोयल सेफ हो जाएगी, हम उसे बचा लेंगे. तो मुनामी को कहीं ना कहीं उसका जो ये जेस्चर है वो बहुत अच्छा लगता है. और जो मुनामी जितना करण पे ट्रस्ट करती है उससे उसका ट्रस्ट एक लेवल और बढ़ जाता है. सो शी इज़ हैप्पी नाउ कि करण है तो वो बचा लेगा. बिल्कुल, क्योंकि मुनामी के लिए भी ये बहुत सरप्राइजिंग है और एक बहुत बड़ा चेंज देख रही वो करण में कि यू नो, क्योंकि मुनामी को डांस करने का मन है एंड समवेयर करण इज़ लाइक ठीक है, जबकि उसको डांस करना नहीं आता है. देन ऑल्सो ही एक्सटेंड्स हिज हैंड. तो मुनामी बहुत खुश है, और जितनी खुश मुनामी है उतने खुश हमारे ऑडियंस भी होंगे, हमारे फैंस भी होंगे, बिकॉज उनको मोरन का डांस देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत.